हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका। मैं नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ लेकर एवरेज का एपिसोड नंबर 2। इससे पहले एक लेक्चर कर चुके हैं, वो ज़रूर देखिएगा गाइस। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। मैं ऐसे तरीके आपको एवरेज के अंदर बता रहा हूँ जिसमें आपको पेन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ अपने ब्रेन में कर सकते हैं, लेकिन वो करने के लिए आपके ब्रेन की कंडीशनिंग वैसी की जानी चाहिए। अगर वो नहीं है तो गाइस फिर नहीं आप कर पाएंगे। वही मेरा काम है यहाँ पे, मैं आपको एकदम से आपके ब्रेन की वैसी कंडीशनिंग कर दूंगा जिससे कि आपको देखते ही क्वेश्चन का आंसर पता लगेगा, और वो भी बिना पेन उठाए आप कर सकते हैं क्वेश्चन। बस समझाने का यहाँ पे एक मैं तरीका अडॉप्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ समझाने के लिए मैं सब बनाता हूँ। रियलिटी में यही है बात मेरे दोस्त की, अगर मुझे वो क्वेश्चन का भी कैलकुलेट करने होते हैं तो मैं बिना पेन के कर सकता हूं और आप भी कर सकते हैं। अगर पेन सपोज करो आपसे नहीं हो रहा है बिना पेन के, तो भी आप एक लाइन के अंदर उसको जस्ट इन वन लाइन अगर आप लिखेंगे तो वो क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप बेसिक तरीकों से करेंगे तो वो बहुत समय लेगा। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एवरेज के बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और छोटे छोटे तरीके आपको बता रहा हूँ जिससे आपका प्री के अंदर, सीजीएल 2018 का जो प्री होने वाला है उसके अंदर बहुत सारा टाइम बचेगा। और आप कोशिश रह रही है कि मेरी यही कोशिश है कि आपको इस तरह का बना दूँ कि 15 मिनट में आप पेपर सोल्व कर दो गाइस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना लेक्चर, जिसके अंदर मैं आपको बहुत छोटे छोटे तरीके बताता हूँ क्वेश्चंस को सोल्व करने के, और साथ में बताऊंगा थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स। एंड गाइज, एक और बात कि जो मैं यहाँ पे बताऊंगा ये खुद मैं बना के बता रहा हूँ, जो मेरे को लगता है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, जिस तरह से पढ़ाना चाहिए मैं उस तरह से पढ़ा रहा हूँ, ये आपको यूट्यूब पर और कहीं नहीं मिलने वाला गाइज। तो फटाफट से इसको लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और खूब दबा के शेयर कीजिए ताकि जिनको ज़रूरत है इसकी उस तक पहुँच पाइए। चलो स्टार्ट करते हैं हम गाइज। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरेज ऑफ 32 स्टूडेंट्स एक सेक्शन में 60 है, और एवरेज ऑफ मतलब ये मार्क्स की एवरेज, और 40 बॉयज इन सेक्शन बी इज 33, फाइंड द फाइनल एवरेज की क्या होगी। यूजुअली अगर इस क्वेश्चन को करना होगा तो बच्चे क्या करेंगे, इसको आप क्या करोगे एवरेज निकालने के लिए, आप बोलोगे एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू 32 स्टूडेंट्स हैं जिनकी है 60 प्लस उधर 40 स्टूडेंट हैं इंटू 33, और नीचे लिख दोगे 32 बॉयज़ प्लस 40 बॉयज़, इस तरह से करोगे। लेकिन गाइज इसमें बहुत समय लगेगा, आपको ये नहीं करना है, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इसको रब कर देता हूँ मैं, आपको कैसे करना है क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। देखो जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं पहले तो वो लिख लो, यहाँ पे लिख लेते हैं ए सेक्शन और यहाँ पे लिख लेते हैं बी सेक्शन। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं यहाँ पे, देखो 32 और यहाँ पे लिखा हुआ 40 बॉयज़, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना फटाफट से। सिंप्लीफाई करोगे तो 8 4 जा और 8 5 जा, तो यानी कि जो बच्चे हैं वो 4:5 के रेशियो में। तो आपको अगर एवरेज निकालनी है तो क्या करोगे, फटाफट से ये कर दो कि ये देखो 60 था ए में, तो आपको कुछ नहीं करना, 4 into 60 प्लस 5 into ये क्या है, यहाँ पे 33 है, ये देखो 33 और डिवाइड बाई में 5 + 4 9, ठीक है। ये देखो 3 3 जा 9, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 4 2 8, 11 5 55, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे 0 भी आएगा ना एक, है ना, ठीक है। तो ये जब आप इसको सोल्व करोगे तो 4 2 जा 80, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 55, तो ये आप गाइस आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा, ठीक है गाइस। इसको आप निकाल लेना, आसान है ये तो, कैलकुलेशन ही है। तो ये इसका शॉर्टकट तरीका है। एक और तरीका भी देख लो क्या, फटाफट से इसका इसको रब कर देता हूँ यार, नहीं तो ये बीच में इंटरप्शन क्रिएट करेगा। ये जो भी मैं तरीके बता रहा हूँ यार सारे ज़रूरी हैं, ठीक है, इनको कर लेना बाय हार्ट। देखो एक तरीका ये है कि इधर देखो यहाँ पे 60 लिख दो, मतलब कि एक क्लास के एवरेज मार्क्स और दूसरी क्लास के एवरेज मार्क्स, दूसरी के कितने हैं, दूसरी के हैं 33, और ये लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, बीच में लिखते हैं टोटल एवरेज जो कि हमें पता नहीं है, और इस तरफ क्या लिखते हैं नंबर्स, ठीक है। तो इधर क्या है 32 बॉयज़ हैं, यहाँ लिखो 32, यहाँ पे लिखो 40, इसको भी सिंप्लीफाई कर लो फटाफट से, 8 4 जा 8 5 जा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को जब भी करना है, ये बीच वाली चीज़ जब भी निकालनी है तो आपको क्या करना है, ये 60 और 33 का डिफरेंस ले लेना है। तो 60 और 33 का डिफरेंस फटाफट से लो, वो क्या बनता है 27 बनता है। तो 27 को आप ये जो 4:5 है ना इसी रेशो में डिवाइड कर दो, 4:5 में, तो 4/9 जब इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा और ये आ जाएगा 15, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप अब क्या है कि ये 12 बन गया और ये बन गया 15, तो इसको निकालना क्या है, तो ये फटाफट से कर दो कि 60 - x, ठीक है, 60 - x इज इक्वल टू 15, तो x क्या आ गया यहाँ पे 45, और ये गाइज 60 - x ही क्यों किया, x - 60 क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो एवरेज है ये इस और इस एवरेज का एवरेज है,
ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये 60 और 33 के बीच में रहेगा। तो 60 जब बड़ी टर्म है और 33 सबसे छोटी है, तो 33 से बड़ा रहेगा और 60 से छोटा रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए 60 माइनस एक्स किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका भी मैं एक छोटा तरीका आपको बता देता हूँ। वैसे लास्ट लेक्चर में भी एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था, दो किए थे या एक किया था देख लेना, लेकिन अभी यहाँ पर भी देख लो फटाफट से, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि 50 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, उनका एवरेज वेट है 45। व्हेन स्टूडेंट लीव्स द क्लास द एवरेज वेट रिड्यूस्ड बाय 100 ग्राम, ठीक है। व्हाट इज द वेट ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लास, जिसने क्लास को छोड़ा उसका वेट पता करना है। तो मैंने इसमें बिल्कुल सीधी सी बात आपको बता रखी है, तो 50 स्टूडेंट है ना, फटाफट से यहाँ पर लिख लो, ठीक है, ये करके यूँ करके लिख लो और एक एक्स्ट्रा यहाँ पर लगा लो, ठीक है। तो ये कितने हैं टोटल, ये 49 है और ये जो है एक, ये 1, ठीक है। टोटल 50 हो गए स्टूडेंट्स गाइस, और इन 50 का देखो वेट कितना दे रखा है, एवरेज वेट देखो ओल्ड और इंक्रीज या डिक्रीज, और साथ में यहाँ पे लिखते हैं न्यू। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, नहीं देखा है तो फटाफट से देख के आओ। ये देखो सारों के पास 45 है, ठीक है गाइस, इस वाले के पास भी 45 है, क्योंकि अभी ये क्लास के अंदर है, लेकिन बाद में क्या होगा, ये क्लास से बाहर जा रहा है, ठीक है गाइस। तो अब इसके जाने से क्या हो रहा है कि इन सबका वेट डिक्रीज हो रहा है, कितना कितना डिक्रीज हो रहा है वो लिखा हुआ है यहाँ पे 100 ग्राम। 100 ग्राम का क्या मतलब होता है, 0.1 kg। तो इसका मतलब 0.1 यहाँ पे डिक्रीज होगा, 0.1 यहाँ, 0.1 यहाँ, 0.1 यहाँ, 0.1 यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं हम करेंगे, ठीक है। इसमें 0.1 मत करना, क्योंकि ये तो जा रहा है ऑलरेडी यार बाहर। जब ये जा रहा है तो बचे कौन, उन्हीं का तो वेट डिक्रीज होगा ना। ये जब चला गया तो इसका खुद का वेट थोड़ा डिक्रीज होगा, ये तो बल्कि इनसे लेके जाएगा वेट, क्योंकि असलियत में वेट डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका रियल वेट बहुत ज़्यादा है 45 से, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, अपना रियल वेट अपने साथ लेके जा रहा है। जब ये आया होगा तब इसने वो रियल वेट यहाँ पे डिवाइड कर दिया होगा सबके बीच में, ठीक है। ये पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, लेकिन अब ये वापस जा रहा है बाहर, तो ये सबसे ले लेगा 0.1 0.1। तो ये जितने भी 49 लोग हैं ये इसको 0.1 देंगे तब ये बाहर जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो आप देखो कि न्यू एवरेज अब हमें न्यू एवरेज नहीं निकालनी है, हमें निकालना है कि इसका वेट रियल में कितना था। तो इसका वेट रियल में कितना था, ये देखो 0.1 0.1 ये सब जो हैं कम हो रहे हैं, ठीक है। तो 45 में से 0.1 कम हो रहा है, यानी कि न्यू एवरेज क्या हो रही है, 44.9 हो रही है यहाँ तक की, ठीक है। उसके बाद ये जब जाएगा तो ये इनसे सबसे 0.1 लेके जाएगा, तो कितना टोटल लेके गया, 49 into 0.1, क्योंकि ये देखो ये 49 की क्लास है, तो सबसे 0.1 0.1 0.1 लेगा, तो 49 पीपल से 0.1 ले लेगा, तो ये 49 into 0.1 यानी कि 4.9 वेट ये लेके जाएगा। और यहाँ पे 45 तो था ही इसका, ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करो तो ये कितना बन गया आपका, 49.9 आंसर आ गया गाइस। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इससे छोटा तरीका इसका हो ही नहीं सकता, इसीलिए मैंने कहा कि ये मैं जो आपको करवा रहा हूँ देखते ही क्वेश्चन निकलेंगे, लेकिन तभी निकलेंगे जब आपकी समझ इतनी डेवलप है। देखो ये सब मैंने नोटंकी किया आपको समझाने के लिए, रियलिटी में मेरे को क्या करना था, रियलिटी में मैं कुछ भी नहीं करता। मैंने देखा कि यहाँ पे 100 ग्राम रिड्यूस हुआ है, फटाफट से मेरे को देखना था बस ये यहाँ पे कि 45 तो इसका होगा ही होगा गाइस, ठीक है। 45 तो होगा क्योंकि एवरेज वेट ओल्ड वाला 45 है, तो 45 तो कहीं नहीं गया, ठीक है। इससे ज़्यादा ही होगा इसका, क्योंकि इसके जाने के बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रही है ये, ठीक है। तो इसके जाने के बाद बचे कितने लोग, 49 लोग बचे, ठीक है। तो प्लस 49 लोग बचे, वो 0.1 0.1 सब इसको देंगे, ठीक है, into 0.1, तो ये आपका आंसर हो गया 49.9। ऐसे करते हैं इसको फटाफट से, ठीक है गाइस। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये कंसेप्ट आप सीख लो, अगर ये सीख लोगे ना तो फटाफट से वहाँ पे कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। इसी को कहते हैं एक्यूरेसी, स्पीड, कंटेंट, यही होता है गाइस, ठीक है। ये इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाता है, ऊटपटांग तरीके से लोग पढ़ाते रहते हैं, जिससे आपका भी दिमाग खराब होता है, आपकी स्पीड भी नहीं बनती गाइस, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और प्यारा सा क्वेश्चन गाइस। यहाँ पे देखो कि 10 टीचर हैं क्लास के अंदर, ठीक है। एक टीचर रिटायर हो जाता है और एक 25 साल का टीचर नया वाला आ जाता है। उससे हो क्या रहा है, उससे क्या हो रहा है कि वो जो नेट एवरेज है वो 3 साल डिक्रीज कर रही है। तो फटाफट से यहाँ पे देखो, बना लो पहले तो, अगर आपको बनाना है तो, ठीक है। ये टोटल है 9 टीचर और एक जो एक्स्ट्रा है उसको इधर लिख लो, ठीक है, ये एक है। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे देखो 9 टीचर है ना ये, और इन्होंने क्या बोला क्या है, देखो यहाँ पे भी ये लिख लेते हैं, न्यू इंक्रीज या डिक्रीज और ओल्ड, सॉरी यहाँ पे ओल्ड है, यहाँ पे न्यू है, ठीक है। तो अब देखो इसने बोला क्या, वो देखो इसने बोला है कि ये जो ओल्ड टीचर है, ओल्ड वाला गया और न्यू वाला आ गया, और न्यू वाले की एज कितनी है, 25 है, ठीक है गाइस। आप देखो, और इस प्रोसेस के दौरान हुआ क्या, इस प्रोसेस के दौरान क्या हुआ, ये जो न्यू वाला है ये यहाँ पे आ गया गाइस, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। तो आप मेरे को बताओ कि हमेशा क्या है, नंबर ऑफ टीचर 10 ही रह रहे हैं, क्योंकि अगर एक गया तो नया आ भी गया, तो यानी कि ये जो नंबर, ये देखो एक और ये आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ टीचर हमेशा 10 ही रहेंगे, और इसने बोला क्या है
कि इसके जाने से तीन डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है कि तीन तीन ये वाला बंदा सबसे लेगा, ठीक है, वो इस न्यू टीचर से भी लेगा तीन, क्योंकि जब न्यू टीचर आ गया तो उसके बाद एवरेज तीन डिक्रीज हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि न्यू वाले टीचर को भी तीन देने पड़ेंगे इसको, तो इसका मतलब है कि टोटल जो देने पड़ेंगे इनको वो 10 लोग हैं अभी और तीन देने पड़ेंगे, तो यानी 30 ये लोग हैं जो जब तक इस ओल्ड वाले को देंगे नहीं तब तक ये जाएगा नहीं, ठीक है गाइस। और इसका 25 तो रहेगा ही रहेगा कि ये देखो जो न्यू वाला आया है, यही तो बात है, क्योंकि देखो आप ध्यान से कि अगर ये न्यू वाला इसकी एज इतनी हो जाती ओल्ड वाले की जितनी, फिर तो कोई दिक्कत ही ना होती, तो यानी कि ये जो ओल्ड वाला है इसकी इतनी एज तो रही ही होगी, ठीक है, 25 तो रही ही होगी, लेकिन साथ में जो जो तीन तीन इन लोगों से सबसे लेगा वो भी है, ठीक है, तो प्लस में 25 कर दो, ठीक है, तो ये कितनी होगी, 55 होगी गाइस, ठीक है। समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये जो ओल्ड वाला है गाइस इसकी 25 तो एज रहेगी, ठीक है, 25 के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी होगी, क्यों एक्स्ट्रा होगी, क्योंकि ये ओल्ड है, ठीक है, पुराना टीचर है, तो गाइस ओल्ड और न्यू पे सारी गेम लटक रही है, समझ आ रहा है, ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा ये क्या होगा, वही होगा जो इन सबसे ये तीन तीन ले लेगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, ये सारे छोटे छोटे मेथड्स हैं, मैं आपको करवाता रहूँगा फटाफट से गाइस, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहे हैं, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, स्टिल मैं आप लोगों के लिए सारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी वीडियोस बनाता रहूँगा जिससे कि आपकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाए, ठीक है गाइस। तो आप इसको चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो दबा के इन वीडियोज़ को और बेल आइकन को दबा लो। चलिए हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइस।